मेरी एक सब्सक्राइबर है और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि ऑफ टू क्या है, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। आई एम ऑफ टू का मतलब होता है आई एम गोइंग टू या आई एम लीविंग फॉर, यानी जब आपको कहना हो कि आप किसी जगह के लिए जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू या आई एम लीविंग फॉर, या फिर आप ये कह सकते हैं आई एम ऑफ टू। कैसे, आइए इन सभी बातों को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो कि मैं कनाडा जा रहा हूँ तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम ऑफ टू कनाडा। आप ये भी कह सकते हैं आई एम गोइंग टू कनाडा, और आप ये भी कह सकते हैं आई एम लीविंग फॉर कनाडा। अगर आपको कहना हो कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम ऑफ टू कॉलेज या आई एम गोइंग टू कॉलेज, या फिर आप ये कह सकते हैं आई एम लीविंग फॉर कॉलेज। वह मुंबई जा रहा है ही इज ऑफ टू मुंबई, ही इज गोइंग टू मुंबई, और आप ये भी कह सकते हैं ही इज लीविंग फॉर मुंबई। मैं अपने गांव जा रहा हूँ आई एम ऑफ टू माई विलेज या आई एम गोइंग टू माई विलेज, और आप ये भी कह सकते हैं आई एम लीविंग फॉर माई विलेज। मैं दिल्ली जा रहा हूँ आई एम ऑफ टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली या आई एम लीविंग फॉर दिल्ली। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि आई एम ऑफ टू क्या है, यानी किस सूरत में आप ऑफ टू का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।